हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुभोजित, स्वागत करता हूँ सबका एक और न्यू फ्रेश कमाल वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो एक न्यू फोटोग्राफर होता है, न्यूबी फोटोग्राफर होता है, तो बेसिकली वो जो है मार्केट में जब फ्लैश खरीदने आता है तो क्या क्या गलतियाँ करता है, और उसको ये हेल्प मिल सके इस वीडियो से कि यार क्या जो है ना फ्लैश उसको परचेज करना चाहिए जिससे कि वो उसके आगे भी काम आ सके और वो एक लॉन्ग टर्म जो है उस फ्लैश को यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि यार एक फ्लैश खरीद लिया और उसको फिर है ना कुछ टाइम यूज़ करने का उसको लगे कि ये यूज़लेस फ्लैश है, मेरे को दूसरे पे स्विच करना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। और अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो माइंड में ये आता है कि यार जो फ्लैश है उसकी क्या रियली ज़रूरत पड़ती है अगर अपने पास बहुत ही अच्छा कैमरा है तो। तो उसका आंसर ये है कि यस, अगर आपके पास कितना भी अच्छा कैमरा है और आप अगर लो लाइट पे शूट करते हैं तो आपको जो है एक फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके काम आएगा। तो मेनली होता क्या है, मेनली होता ये है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ी बॉडी है, चाहे वो फुल फ्रेम बॉडी हो, जैसे कि अगर हम लोग निकॉन की बात करें तो निकॉन में जो है हमारे पास आता है निकॉन का जेड सीरीज़ में जो लाइनअप है अभी वो है Z6, Z7, Z6 सेकंड, Z6 सेवन सेकंड जो आ गया है जनरेशन। ये बहुत ही मतलब तकड़े कैमरेज हैं, ठीक है ना। इनमें भी गाइज इशू ये होता है कि अगर आप लो लाइट पर शूट कर रहे हैं और 800 के ऊपर अगर जाके आप शूट कर रहे हैं और प्रॉपर लाइट नहीं है तो ग्रीन्स आने लगते हैं फ़ोटोज़ में, तो उससे क्या होता है आपकी जो फोटोज़ है वो अच्छी आ नहीं पाती है। और अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ ही गई होगी कि जब आप लोग बारात में जाते हैं और कितना अंधेरा रहता है, लाइट्स बहुत कम रहती है वहाँ पर, और जब आप उसको शटर अप करते हैं, आपका जो है ना ISO को बहुत ज़्यादा अप करते हैं, तो दिक्कत हो जाती है कि यार प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है और ग्रीन सारी फुटेज उसमें। तो ये जो है एक प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों को फ्लैश की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये चीज़ तो भाई क्लियर हो गया कि अपन को फ्लैश की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि फ़्लैश की ज़रूरत तो है पर कौन सा फ्लैश ले जो कि हमको आगे भी काम आए। और हम जो है जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भाई सब लोग जो है बजट लेके चलते हैं, और बजट के हिसाब से भाई अपन फ्लैश तो खरीद सकते हैं, पर दिक्कत ये रहती है कि वो फ्लैश जो है आप कुछ टाइम ही यूज़ कर पाओगे। जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोफेशनल होते जाओगे ना तो आपको जो है उस फ्लैश को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जो है बजट के हिसाब से आप लोग अपना फ्लैश मत खरीदिएगा, पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि यार बजट जो है ना जो न्यूबी फोटोग्राफर्स होते हैं उनके बहुत ही कम होते हैं। जो मुझे पता चला है वो मेरे से जो लोग पूछते हैं भाई 3,500-4,000 रुपये में आप बता दो मेरे को कोई फ्लैश जो कि मैं लेना चाहूँगा और बहुत अच्छा हो करके। गाइज मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ थोड़े से ऐसे जो फ्लैशेज हैं उनको, क्योंकि होता क्या है ना, होता ये कि आप सस्ते पैसे दे के वो एक प्रोडक्ट तो खरीद लेते हो पर बाद में जाके दिक्कत ये होती है कि वो प्रोडक्ट है ना आपको काम नहीं आता, फिर आपको उसको जो सेल आउट करके ना फिर से आपको जो थोड़ा सा प्रोफेशनल फ्लैशेज होते हैं वो लेने ही पड़ते हैं। तो क्यों ना एक ही बार में अच्छा पैसा खर्चे और अच्छा चीज़ ले, थोड़ा सा रुक के लेंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए हम लोगों को, थोड़ा सा पैसे इकट्ठे करके लेंगे, पर भाई गलत चीज़ मत लीजिएगा आप लोग, ये मैं बताना चाहूँगा। जो मैंने गलती की है वो आप लोग मत करिएगा, बहुत दिक्कत होती है। मैंने पता है, मैं बता रहा हूँ, इस फ्लैश से पहले मैंने 3 फ्लैशेस लिए थे और तीनों की अनबॉक्सिंग मेरे चैनल में है, और तीनों फ्लैशेस जो ना मुझे सेल करने पड़े। लास्ट में जाके जो ना मुझे सबसे तगड़ा फ्लैश ये लगा, इसलिए मैंने लिया, और सेकेंडरी जो है मैंने ये अपना फ्लैश लिया। इन दोनों से जो ना मेरा पूरा वेडिंग का काम हो जाता है, प्री वेडिंग के काम भी पूरे हो जाते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो शूट भी मैं इससे पूरे कर लेता हूँ, बहुत ही तगड़े फ्लैशेस है। तो स्टार्ट करते हैं जो फ्लैशेस है। फ्लैशेस में हम लोग क्या होता है कि 3 कैटेगरी में हम लोग ना डिवाइड करते हैं। एक जो फ्लैशेज है वो मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो मैनुअल फ्लैशेज होते हैं। वो क्या होता है, उसमें आपको बहुत ही सिंपल से जो है ना बेसिक से कंटेंट मिल जाएंगे, उसमें कोई डिजिटल स्क्रीन भी नहीं होता, सिर्फ जो है ना पावर आउटपुट के लिए जो ना ऐसे छोटे 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 लाइंस बनी होती हैं, और लाइंस बनी होती है और प्लस और माइनस जो है ना आप उससे पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो है एक तरह के मैनुअल फ्लैशेस आते हैं, उसका जो है आप लोग बहुत ही सस्ते में मिल जाता है आप लोगों को। और साथ में क्या होता है ना, उसके साथ तो सुनने पे सुहागा वाली चीज़ है कि ट्रिगर भी मिलता है भाई, तो आप लोग और खुश हो जाते हो कि यार ट्रिगर भी मिल रहा है साथ में, ये फ्लैश भी मिल रहा है, तो भाई अपन ये क्यों ना परचेस कर ले, सस्ते में तो अपना काम हो ही जाएगा। पर वहाँ जो है ना इंसान गलती कर देता है। तो ये तो रही पहली कैटेगरी जो मैनुअल फ्लैशेस की है। दूसरी फ्लैशेज जो आती है वो ये वाली फ्लैशेज होती है जो कि गोडॉक्स की आती है या तो न्योंगनो की आती है। ये जो फ्लैशेज होते हैं ना गाइस, ये जो है TTL फ्लैशेज होते हैं, HHS फ्लैशेज होते हैं। तो TTL फ्लैशेज और HHS फ्लैशेज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाके थोड़ा सा गूगल पर सर्च कर सकते हो। अगर मैं TTL और HHS के बारे में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो है क्या, ये जो फ्लैशेज होते हैं ये हमारे कैमरे में भी लग जाते हैं और ऑफ कैमरा भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर के साथ। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास ट्रिगर रखा है, ट्रिगर के साथ इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों में कि उनके ट्रिगर्स में, इसके ट्रिगर्स में, और क्या दोनों में फ्लैश में डिफरेंस होता है। तो दूसरा जो कैटेगरी हो गया वो आप समझ गए कि भाई ये जो है ना HHS वाले फ्लैशेज और TTL वाले जो फ्लैशेज
फ्रेशर होते हैं वो ये वाले आते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी आता है वो ये आता है जो कि गोडॉक्स के लाइनअप में आती हैं, जो कि ऑफ कैमरे फ्लैशेस होते हैं। ये जो है हमारे कैमरेज पे नहीं लगती गाइस, ये जो है ना ऑफ कैमरा ही हमको हमेशा यूज़ करना पड़ता है। तो इनका जो सीरीज़ होता है वो अलग अलग आती है, जैसे कि ये है AD300, AD200 आता है, AD100 भी आने लगा है आजकल जो एकदम रिसेंट आया है, और AD600, AD400 बहुत ही पावरफुल लाइट्स होती हैं ये, पर इनको जो हम अपने कैमरे के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम लोग को ऑफ कैमरा यूज़ करना पड़ता है, किसी भी एक मतलब ट्राईपॉड पे लगा के यूज़ करना पड़ेगा। पर ये वाले जो फ्लैशेज हैं और जो बेसिक वाले जो फ्लैशेज होते हैं वो हमारे कैमरे में भी लग जाते हैं और अपने इसमें भी लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है कि जो बेसिक वाले फ्लैशेज होते हैं, तो बेसिक वाले फ्लैशेज में होता ये है कि आपको एक सिंपल सा ट्रिगर मिलता है जो RF से फायर होता है, ठीक है, और उसको जो है आप अपने कैमरे पर लगा ही सकते हैं और प्लस और माइनस बटन से उसका एक्सपोजर अप और डाउन कर सकते हैं। क्योंकि वो सिंपल तो होता है, पर होता क्या है कि जैसे आप उस कैमरे को निकालेंगे और निकाल के ऑफ कैमरा यूज़ करने लगेंगे तो उसका जो ट्रिगर होता है, जो कि मैं थोड़ा सा विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका दे देता हूँ मैं, तो इससे क्या होता है कि भाई इसमें जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरे को सेट करके पावर को अप या डाउन, मतलब एक्सपोजर को अप या डाउन करने के लिए आपको फिर से कैमरे के पास ही जाना पड़ेगा और उसको अप या डाउन करना पड़ेगा बटन को प्रेस करके, फिर आपको उसी जगह पर आकर खड़ा होना पड़ेगा जहाँ से आप इसको शूट करने वाले हो, कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी अगर मॉडल शूट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, तो वहाँ आके आपको फिर से क्लिक करके टेस्ट लेना पड़ेगा कि भाई वो शॉट सही आया है कि नहीं आया। अगर अंडर एक्सपोज हुआ है, ओवर एक्सपोज हुआ, तो आपको फिर से जो है ना वहाँ पर जाना पड़ेगा और फ्लैश में जाके पावर आउटपुट को चेंज करना पड़ेगा। आप जो है ट्रिगर से कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर, ट्रिगर जो है ना आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा कि हाँ भाई ये जो है कैमरे से मतलब फायर हो रहा है, बस उसके लिए जो है उस चीज़ का यूज़ होता है। आप ट्रिगर से मतलब ट्रिगर को काम ही नहीं होता है, मतलब यही होता है कि आप समझोगे एक बार मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ आप उसको बटन प्रेस कर रहे हो और वो भाई उसको रिसीव कर रहा है, ट्रिगर जो है यहाँ से ट्रिगर कर रहा है और उसको रिसीव कर रहा है जो है अपना फ्लैश और फायर कर दे रहा है। पर कोई भी सेटिंग जो आप यहाँ से डालो और वहाँ पर जाके जो है ना वो सेटिंग चेंज हो और उसके हिसाब से फ्लैश का आउटपुट चेंज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और अगर ऐसा वेडिंग फोटोग्राफर है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बार बार आपको फ्लैश तक जाना और उसकी जो सेटिंग है बार बार चेंज करना और फिर आके उसी जगह पर खड़े होना जहाँ से आपको शूट करना, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाता है। इसलिए जो है ना लोग क्या प्रीफर करते हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर और ऐसा कैमरा के फ्लैशेस लेना जो कि गोडॉक्स की तरह आते हैं, TT685, 850 या तो फिर V1 जैसे फ्लैशेस। इसमें क्या होता है गाइस, ये इनबिल्ट रिसीवर के साथ तो आता ही आता है, साथ में जो है इसके साथ ऐसा जो है ना ट्रिगर्स आते हैं इसके लिए यूज़ करने के लिए। तो इनमें क्या होता है, इन ट्रिगर्स में जो है ना पूरी सेटिंग कर सकते हो, आपको जो फ्लैश का पावर आउटपुट अगर सेट करना है तो आप जो है इसे सेट कर सकते हो, आपको अगर फुल पावर में सेट करना है तो अगर आप समझो इससे दूर कहीं खड़े हो, यहाँ पर कहीं खड़े हो और फ्लैश कहीं और रखा हुआ है, तो आपको बार बार फ्लैश के पास जाके सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके कैमरे में अगर ये लगा हुआ है तो आप यहीं से जो है सेटिंग कर दो, यहाँ से वो अपने आप सेटिंग इसमें ले लेगा और जैसे ही आप यहाँ से फायर करोगे तो ये फायर हो जाएगा उसी पावर आउटपुट पे, और आपको लगता है कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे एक्सपोजर हो रहा है तो आप इससे जो है कम ज़्यादा उसको कर सकते हो। इसलिए जो है ना ये वाले जो फ्लैशेज हैं बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं कि आपको जो है ना अपने कैमरे के ऊपर तो लग ही जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप ऑफ कैमरा भी इसको बहुत तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ जो ये रहती है TTL फ्लैशेस और जो HHS में है ना, वो इसलिए यूज़ होता है कि अपन लोग जो है ना जो शटर स्पीड है उसको भी हम लोग यूज़ कर पाते हैं जो सनलाइट होता है उसमें, तो ये फ्लैशेज जो है ना सनलाइट के लिए भी बहुत ही तगड़ी होती है। जो मैनुअल वाले फ्लैशेज होते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि HHS होता नहीं है, तो अपन 250 या 200 शटर के ऊपर जाके है ना शूट कर नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है, हम लोग को अपना अपर्चर डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई अपना जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना वो चले जाता है, ठीक है। इसलिए जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाले जो फ्लैशेज है ना ये एक बंदे को परचेस करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आता है थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल वाले फ्लैशेज जो कि ये आते हैं, ये रही बात की बात होती है गाइस, ये अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपये का बजट है तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, पर एज अ न्यूबी जो है ना मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला जो है फ्लैश उसको परचेस करें, क्योंकि अगर आप इसको पहले परचेस कर लेंगे तो दिक्कत ये होगी कि अगर आपको कैमरे में लगा के यूज़ करना है कभी भी फ्लैश तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है बात की बात आती है तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। मोस्टली जो होता है ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये वाला फ्लैश जो है वो परचेस करिए, जैसे कि TT685 हो गया, या तो V1 जैसा फ्लैश हो गया, या तो 850 हो गया, ये जो है सारे जो है ना उसके साथ कंपैटिबल होता है, जैसे कि निकॉन का वर्जन है तो निकॉन के साथ चलता है, ये कैनन का भी आता है सी करके, मतलब उसका भी आता है, सोनी का भी आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैमरेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है ना गोडॉक्स जो है ना बनाती है, तो ये आपके ऑफ कैमरा भी काम आ जाएगा, आपके ऑन कैमरा भी काम आ जाएगा, इसमें आपको HHS भी मिल जाता है, TTL भी मिल जाता है आपको, साथ में अगर आप ट्रिगर इसके साथ परचेस कर लेंगे ना सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये रहता है कि आपका काम ख़त्म।
और होता क्या गलती ये होता है कि जब आप जाते हो कहीं भी शॉप में तो बिगनर्स जो है ना जब देखते हैं कि भाई सस्ते में मिल रहा है तो वो जो है एक मैनुअल फ्लैश उठा लेता है और बाद में आके होता क्या है जब उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो कि एक जो अमेचर फोटोग्राफर होता है वो या तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है वो जो खींचता है और उसके जब सेटिंग्स देखता है वो यार बोलता है कि यार मैं तो भाई ये मतलब अपना शटर स्पीड इतना ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं 250 के ऊपर फ्लैश फायर ही नहीं होता। तब जाके जो है ना लिमिटेशन चालू होती है और आप लोगों को इरिटेशन चालू होता है कि यार क्या ले लिया मैंने 4000 रुपये इन्वेस्ट किए और 4500 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को ये फ्लैश मैंने खरीदा। जबकि अगर आप ये लेने जाएंगे ना गोडॉक्स का भाई TT685 एज अ बेसिक अगर एक फ्लैश लेने जा रहे हैं TT685 ये इतना तगड़ा फ्लैश है ना गाइस ये आपको ऑफलाइन मार्केट में आराम से 6000 रुपये में मिल जाएगा। 6000 रुपये आप आराम से खर्चो और भाई ये फ्लैश जो है ना आपको लाइफ टाइम काम आएगा। चाहे आप इसको जो है ना एज अ मेन लाइट यूज़ करो चाहे आप इसको जो है ना एज अ सेकेंडरी लाइट यूज़ करो। मैं क्या करता हूँ मैं प्राइमरी लाइट इसको यूज़ करता हूँ सेकेंडरी लाइट अभी इसको यूज़ करता हूँ। पहले जब मेरे पास सिर्फ सिंगल ये वाली लाइट थी तो मैं इसको ऐसा प्राइमरी लाइट ही यूज़ करता था। मैं कैमरे में लगा के भी इसको यूज़ करता हूँ इसको ऑफ कैमरा भी यूज़ करता था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब जो है मैंने ये परचेज़ कर लिया है थोड़ा सा पावरफुल लाइट है क्योंकि प्री वेडिंग्स में भी यूज़ होता है आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको और बैटरी पावर्ड है तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। इसको ऐसा प्राइमरी लाइट यूज़ करता हूँ इसको ऐसा सेकेंडरी लाइट यूज़ करता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि भाई बजट जो है वो उसके हिसाब से अगर आप परचेस करना चाहोगे तो फिर यार मतलब आपको फिर वही लेना पड़ेगा जो कि होता है अपना सिंपेक्स के आते हैं या तो डिजिटेक के आते हैं। सिंपेक्स 621 RX मेरे पास मैंने एक लिया था सबसे पहले तो उसका मैंने अनबॉक्सिंग किया वो भी वीडियो आप देख सकते हो। एक मैंने बीच में एक फ्लैश लिया था ओसाका TT करके जो था एक 850 करके कुछ था वो सीरीज़ वो फ्लैश मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि गाइस होता क्या है ना वो TTL फ्लैश तो है पर उसमें जो है ना इनबिल्ट रिसीवर नहीं है। तो आप कभी भी कोई भी फ्लैश खरीद रहे हो तो आपको ये देख के लेना चाहिए कि उसमें रिसीवर है कि नहीं है क्योंकि अगर जब रिसीवर ही नहीं होगा फ्लैश के अंदर तो भाई आप ट्रिगर से ट्रिगर कैसे करोगे उस फ्लैश को। तो Yongnuo के जो फ्लैशेस आते हैं ना उसमें भी ऐसा होता है कि अंदर जो है रिसीवर्स रहते हैं और साथ में उसमें ट्रिगर आते हैं और ट्रिगर भी ऐसा कि भाई ये जो ट्रिगर है ना ट्रिगर से आप सेटिंग कर सको और जो भी सेटिंग आप ट्रिगर में करो तो वो जो है फ्लैश में एप्लीकेबल हो जाए। तो ऐसे जो है ना फ्लैशेस आप ले सकते हो और गोडॉक्स मैं प्रेफरेबली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार गोडॉक्स जो है ना अभी के मार्केट में इंडियन मार्केट में ना सबसे सस्ता जो है गोडॉक्स है और गोडॉक्स की लाइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ पहले जो है मैं यूज़ करता था सिंपेक्स से मैंने गोडॉक्स में स्विच किया। उसका मेन रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपको बताऊंगा। होता है कि अगर एक स्फेयर आपने ऐसा रखा है गोल सा एक बॉल रखा है और अगर आप फायर कर रहे हो लाइट को तो सिंपेक्स की जो लाइट होती है ना वो सेंटर पॉइंट पे तो वाइट होता है पर जब वो साइड में जाती है ना साइड में जाने के बाद वो थोड़ा सा ग्रेश टिंट देने लगती है। जबकि सेम अगर आप गोडॉक्स का फ्लैश यूज़ कर रहे हो और आप सेम एक स्फेयर रखा हुआ है वो फ्लैश लाइट उसमें लगती है लगने का जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो वाइट रहता ही रहता है पर जब वो पीछे की तरफ जब साइड में जाता है ना तो वो भी वाइट ही रहता है कलर। तो इनकी जो CRI रेटिंग्स होती है ना गोडॉक्स की लाइट्स की वो भी बहुत ही तगड़ी होती है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जो है ना जब आप परचेस करोगे कर लोगे और गलती कर दोगे परचेस करके यूज़ करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा या तो फिर आपको अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा आपको सिर्फ फोटोग्राफी में से मतलब है कि भाई फोटोग्राफी करनी है पैसे कमाने हैं तो आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान भी नहीं दोगे। पर अगर आपको अपनी फोटोग्राफी इन्हांस करनी है स्किल्स को इन्हांस करने हैं अच्छी चीज़ें यूज़ करनी है अच्छी लाइट्स यूज़ करनी है तो यार मैं बोलूँगा कि आपको जो है ना ये जो लाइट है मस्ट है ये परचेज़ आपको करना चाहिए क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 4500 रुपये लगा रहे हो किसी चीज़ में तो बेटर है कि यार आप थोड़ा सा रुक जाओ भाई 1500 रुपये के लिए यार मेरे ख्याल से मतलब दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। 4 दिन 6 दिन 1 महीने 2 महीने रुक जाओ भाई अच्छे पैसे अच्छे चीज़ पर पैसे खर्च करो और अच्छा चीज़ यूज़ करो मज़ा भी आएगा भाई फोटोग्राफी करने में। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।